ये शादी के भोजन से पेट नहीं भराने वाला, शादी के भोजन से केवल पेट भरा सकता है पर आत्मा नहीं भराएगी, मन नहीं भराएगा। घर का जो भोजन होता है वो तुम्हारी मेहनत का होता है, तुम्हारे परिश्रम का होता है, उसका एक रोटी तुम्हारे को मन और पेट दोनों भर देती है। एक रोटी मन और पेट दोनों भर देती है क्योंकि वो घर का भोजन है। एक गांव के व्यक्ति ने एक पोस्ट मास्टर से कहा, मास्टर साहब मेरे बेटा बहुत दूर रहता है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है, मैं पत्र लिख दूं, आप मेरे बेटे को पहुंचा देना। मास्टर साहब ने कहा लिख दो, बेटे को पत्र लिखा। उस पत्र में गांव के व्यक्ति ने लिख दिया, बेटा मुझे हर महीना 10 रुपया भेज दिया कर, मेरा गुजारे के पैसे नहीं है। अब 10 रुपये भेज दिया कर, मास्टर साहब को पत्र दिया कि इसको मेरे बेटे तक पहुंचा देना। मास्टर साहब ने सोचा, पोस्ट मास्टर ने सोचा 10 रुपये लिखे हैं इसमें 0 बढ़ा देता हूं, और पोस्ट मास्टर ने उसमें 0 बढ़ा दी। अब कितने रुपए हो गए? 100 रुपये। पोस्ट मास्टर क्या करता, बेटा 100 रुपये भेजता, 90 रुपये पोस्ट मास्टर रख लेता, 10 रुपये उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे देता। 90 रुपये प्राप्त होने लगे, धीरे धीरे समय निकला। एक साल बाद पोस्ट मास्टर ने कहा, अब 10 रुपये में क्या होता है काका जी, 20 रुपये तो लिखो। काका जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, 10 रुपये में मेरा गुजारा नहीं होता, 20 रुपये लिख दिए। पोस्ट मास्टर ने क्या करा, जम के बोलो, 1 0 बढ़ा दी, कितना हो गया, 200। बेटा 200 रुपये भेजता, 180 रुपये पोस्ट मास्टर निकालता, 20 रुपये गांव के व्यक्ति को। पैसे का ढेर लगने लगा। पुरानी बात थी, उस समय पर 10 रुपये और 20 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती थी, बहुत बड़ी कीमत होती थी। पैसा बढ़ता गया, वो व्यक्ति को 20 रुपये मिलते थे और पोस्ट मास्टर को जम के बोलो 180। उस समय पर 180 मतलब ये जानकर चलना आज के समय का 1-1.25 लाख रुपया, उस समय का ये स्थिति थी। पैसा बढ़ता, पोस्ट मास्टर बड़ा खुश, गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, नाम हो गया, शोहरत हो गई, इज्जत हो गई, धन हो गया। जैसे जैसे धन बढ़ता है व्यक्ति की सोच बढ़ जाती है कि मैं पद प्रतिष्ठा वाला हो गया,